सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया एजुकेशन लोन मुझे कैसे मिल रहा होगा, क्योंकि अब आप जा रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज में और पूछ रहे हो भैया उतना जो डिमांड कर रहा है फी उतना मैं अभी देने में सक्षम नहीं हूं, तो मुझे लोन की जरूरत है। तो भैया इसके क्या प्रोसेस है, कब कैसे लोन मिल सकता है? तो यहां मोर स्पेसिफिकली IIT NIT IIIT GFTI के हिसाब से ज्यादा बातें कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए कुछ स्टेप्स कॉमन है इन सारे कॉलेजेस में। आप जैसी जोसा सीसेप काउंसलिंग में बैठोगे, आपका सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी पहले ही ले लिया जाता है। जिसका जो मेजर चंक होता है सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी में, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी होता है। तो इस समय तक हम देख सकते हैं कि आपको एजुकेशन लोन अब तक तो नहीं मिल रही होगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप मेजोरिटी फी आपने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी में ही पे कर दिया। तो पार्शियल एडमिशन फी के बाद ही कुछ एजुकेशन लोन के बारे में सोच सकते हैं, उसके पहले एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा होता है। लेकिन कुछ छोटे बैंक्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड कर देंगे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या फिर अलग अलग बैंक के अलग अलग स्कीम होते हैं जिसके थ्रू आप पहले भी एजुकेशन लोन ले सकते हो। लेकिन एक इन जनरल तरीके से बात करें तो यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा होता है। अब यहां चीजें हम समझ रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप कैसे लोन ले सकते हो। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने मेजर चंक, मेजर फी जो है IIT NIT IIIT GFTI में, वो जोसा सीसेप में ही आपने भर दिया है। फिर भी कुछ फी रह जाते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनली एडमिशन लेते समय जमा करना होता है, और ये दिक्कत आती है मोस्टली ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स को, क्योंकि भले ही आपको फी वेवियर मिल रही हो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा फी पे करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ओबीसी जनरल कैंडिडेट को फर्स्ट सेमेस्टर का जो बाकी बचा फी है सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी छोड़कर, वो भी काफी महंगा लगता है। तो जब भी आप अपने कॉलेज में जाइएगा तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको कॉलेज में जहां एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है वहां पर कुछ बैंक वाले लोग देखने को मिल जाएंगे जो आपका लोन सैंक्शन करवा देते हैं। अब एग्जैक्टली इसका क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है, ज्यादा लोग मुझे मिले नहीं जो जिन्होंने इस तरीके से लोन लिया हुआ हो, इसलिए उसका मैं प्रोसेस नहीं बता सकता। बट आप जाओगे कॉलेज में, अगर आपको लोन लेने का मन है तो वहां से लोन प्रोसेस हो जाता है, मुझे इतना बस पता है। बात करते हैं इन जनरल तरीके से जहां आप सेकेंड सेमेस्टर से लोन ले सकते हो। तो सेकेंड सेमेस्टर से क्या करना होता है कि आपको अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड बनवाना होता है, एक फी स्ट्रक्चर का बोनाफाइड होता है कि मेरा इतना इतना फी लग रहा होता है। वो बोनाफाइड आपका बैंक मांगता है कि बैंक में आपको फी स्ट्रक्चर एक प्रूफ देना होता है। तो वो उस चीज का फी स्ट्रक्चर का प्रूफ एक बोनाफाइड होता है जो आपको कॉलेज बनाकर देगा। तो वो बोनाफाइड लेकर आपको बैंक के पास जाना होता है। इसमें आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो वही बेसिक बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलेज से रिलेटेड। क्या डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हो सकते हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं बैंक टू बैंक। सो बेहतर रहेगा कि आप बैंक से ही डायरेक्टली बात करिए कि लोन सैंक्शन करवाना है मुझे, कितना और कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो बेटर है बैंक में जाइए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7% से 12% 14% तक लग रहा होता है। एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूं, लेकिन बस इतना समझिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 to 4 weeks के अंदर आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि बैंक वाले बैठे ही इसी चीज के लिए हैं। लोन देना उनका सबसे बड़ा गेम होता है पैसे कमाने का। आप घर में बैठे रहिए, कितने बार ऐसे ही आपका लोन का फोन आ जाता है, तो अगर आप खुद जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा क्या? तो एक प्रैक्टिकल वे में बात करें तो लोन मिल जाता है, बस आपको बैंक में जाना है, पूछना है किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे वेरी करता है, इसलिए बेटर मैं बोल रहा हूं बैंक से ही विजिट करके पूछिए। बस इस वीडियो के थ्रू मैं एक आइडिया देना चाहता था कि जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है वो सेकेंड सेमेस्टर से ही एजुकेशन लोन मिल रहा होता है, जहां आपके पास पूरा प्रॉपर एक तब तक प्रूफ हो जाता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं, सारी चीजें हैं मेरे पास। तो बस इतना सा प्रोसेस होता है। अब इसमें आपका ट्यूशन फी भी आप कवर कर सकते हो, हॉस्टल फी भी आ सकता है, आपके लैपटॉप के लिए भी लोन्स मिल जाते हैं, लेकिन जितने कम से कम लोन लीजिए उतना बेटर रहता है। अब यहाँ लोन का कुछ सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो उसके एक साल बाद से आप लोन भरना चालू कर सकते हो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका इंटरेस्ट शुरू दिन से ही जिस दिन आपने लोन ले लिया उसी समय से कटना चालू हो जाता है। लेकिन पे जो है पैसा वापस पे कब करना है, तो जैसे ही आपका 4 साल का बीटेक खत्म हो जाएगा उसके एक साल बाद और टाइम मिलता है, उसके बाद से आप पे करना चालू कर सकते हो। तो इतनी सारी कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी जिसमें आपको लोन मिल रहा होता है। अब यहाँ कुछ चीजें होते हैं जैसे 7.5 लाख जितना मुझे याद आ रहा है इसके आसपास या इससे जस्ट ऊपर का अगर आप लोन ले रहे हो, तब आपको कुछ जिसे हम हिंदी में गिरवी रखना कहते हैं कोलैटरल, वो रखना पड़ता है। उसके नीचे 7.5 लाख के नीचे कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स में। तो इतना ही था जितना आपको जानना चाहिए एजुकेशन लोन के बारे में, क्योंकि इसके आगे जो
लीगल प्रोसीजर्स है, फॉर्मल जो तरीके है, फॉर्मेलिटीज जो है वो बेहतर है बैंक से ही पूछिए, क्योंकि चीजें बैंक टू बैंक वेरी करती हैं। तो ठीक है, बस इतना समझिए कि लोन सैंक्शन हो जाता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाला लोन बेहतर है कि खुद से ही दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बैंक्स होंगे जो आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, वहां सिक्योरिटी की दिक्कत हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन इन जनरल की अगर हम बात करें तो सेकंड सेमेस्टर से लोग लोन ले रहे होते हैं। और अब कुछ करनी है इंपॉर्टेंट बातें, तो अब मैं सोच रहा हूं आपके लिए कुछ पॉडकास्ट भी लेकर आऊं उन लोगों की जिन्होंने अपने करियर में कुछ अच्छा कर रखा है और अब वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, चैनल जितना बड़ा होगा उतने बड़े लोगों को मैं इन्वाइट कर पाऊंगा। आप खुद सोचिए छोटे चैनल पर बड़े लोग क्यों आएंगे, एक इमेज की भी बात होती है ना। तो यहां पर आपकी हेल्प चाहिए, आप ही की हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा उतने ज्यादा चैनल को रीच मिलेगी, उतने ज्यादा बड़े लोगों को इन्वाइट कर पाऊंगा, आपको उतने ज्यादा लोगों की जर्नी सुनने को मिलेगी, एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगी कि कहां से उन्होंने शुरुआत किया, आज किस फील्ड में है और वर्क कल्चर कैसा है, जो भी वो जॉब कर रहे हैं क्या उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। और हमारी इंजीनियरिंग ऑडियंस है, इसलिए प्रायोरिटी पे रहेगा कि पहले इंजीनियर्स को इनवाइट कर सकूं जो अभी किसी कंपनी में कुछ महीने कुछ साल के एक्सपीरियंस ले चुके हैं, ताकि उनकी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जर्नी शेयर कर सकूं और जो भी नॉलेज उनके पास है सारी चीजें आप तक ला सकूं। तो उसके लिए चैनल बड़ा होना जरूरी है, तो आप सब्सक्राइब करिए। लेकिन तब तक के लिए मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को इनवाइट करता रहूं। तो अभी चैनल छोटा है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जब मेरे पास एक सेट तैयार हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगा कि अच्छा इतने सारे लोग हो गए अब लाया जा सकता है पॉडकास्ट, तब पॉडकास्ट आना चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ कर रखा है, ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर किया जा सकता है, जो लोगों को अगर पता चले तो उनकी हेल्प हो सकती है, तो मुझ तक रीच आउट करिए, आपको जरूर पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहा हूंगा। या फिर अगर आपके पास आपके नजर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करियर में कुछ अच्छा कर रखा हो, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर किया जा सकता हो, तो उन्हें भी आप यहां तक भेज सकते हो। अब कैसे इस बात को मुझ तक शेयर किया जाए, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्रायोरिटी पर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन रहेगा, तो वहां मुझे मैसेज करिए, आपको जरूर इनवाइट कर रहा हूंगा। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जीमेल आईडी भी मिल जाएगा बिजनेस इंक्वायरी में, तो उस जीमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो वीडियो कमेंट सेक्शन में। लेकिन कमेंट सेक्शन वाले को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहले ट्राई करिए इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मैसेज करने का या फिर मेल करने का। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, आपने करियर में कुछ अच्छा कर रखा है, तो जरूर इनवाइट कर रहा हूंगा आपको, क्योंकि हमें जरूरत है आप जैसे लोगों की जो अपने एक्सपीरियंस से सारे लोगों की अब हेल्प करें। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।